सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये बंटी बबली का सरकार है। झारखंड में सरकार चल रहा है कि एक दूसरे के लिए सिनेमा का शूटिंग हो रहा है। हमारा सरकार बनेगा पहला कैबिनेट में ही हुसैनाबाद नाम को हम माँ गंगा में अर्पित कर दूंगा। लात मार मार के घुसपैठियों को यहाँ से बाहर निकालेगा। देश का कोने कोने में अभी भी जो बाबर बसा हुआ है, ये लोगों को भी हमने लात मार मार के निकालने का समय हमारा पास आ चुका है। मैंने ऐसा कोई सरकार नहीं देखा हूँ जो सरकार का दिन में बार बार क्वेश्चन पेपर का लीक होते हैं, हमारा जुबाओं का सपना को तोड़ मोड़ करके राख दिया जाते हैं। ये जो झारखंड में हमारे सरकार चल रहा है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये बंटी बबली का सरकार है। ये सरकार में और कोई कुछ इसमें भागीदारी नहीं है, खाली अपना बीबी और अपना पत्नी का नाम से ही झारखंड सरकार चल रहा है। कहीं भी जाए, हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हमारे कल्पना जी ये कर रहा है, कल्पना जी बोलते हैं हेमंत जी यही कर रहा है। कभी कभी मेरा लगता है झारखंड में सरकार चल रहा है कि एक दूसरे के लिए सिनेमा का शूटिंग हो रहा है। एक प्रकार पत्नी पति का बात बोलते हैं, पति पत्नी का बात बोलते हैं, जनता का बात बोलने के लिए यहाँ में कोई नहीं है। काल में हुसैनाबाद गया था, मैंने जाके हुसैनाबाद लोगों को पूछा कि ये धरती तो बिरसा मुंडा का धरती है, सिद्धू कानू का धरती है, रामकृष्ण का धरती है, भैया यहाँ से हुसैनाबाद कहाँ से आ गया ये नाम? तो मैं काली ऐलान करके आया हूँ, हमारा सरकार बनेगा पहला कैबिनेट में ही हुसैनाबाद नाम को हम माँ गंगा में अर्पित कर दूंगा। और हम ऐसा नाम लेके आएगा जो नाम से हम बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन आगे कर सकता हो, ऐसा नाम हम लेके आऊंगा। सिद्धू कानू का जुड़े नाम लेके आऊंगा, लेकिन हमारा झारखंड में ये हुसैनाबाद वाला नाम और आगे चलने वाला नहीं है। भाइयों और बहनों, आज झारखंड में क्या हो रहा है, ये घुसपैठियों को वोट का तुष्टीकरण के लिए आज बुलाया जाता है। पूरा झारखंड में घुसपैठी ढूक चुका है और ये झारखंड में जो सरकार चलता है, हेमंत सोरेन का सरकार, बन्ना गुप्ता का सरकार, ये लोग घुसपैठियों को हटाने का नाम नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, बीजेपी का सरकार आएगा, झारखंड में कानून का रास्ता से हम लोग लात मार मार के घुसपैठियों को यहाँ से बाहर निकालेगा। ये हम लोगों का वादा है। आज भाइयों और बहनों, आज जमशेदपुर पश्चिम में क्या हो रहा है, धीरे धीरे जमशेदपुर का हमारा जो डेमोग्राफी है कैसे परिवर्तन हो रहा है, ये आप लोगों ने अपना सामने देखा है। आज जेएमएम का ताकत क्या है, कांग्रेस का ताकत क्या है, आपका वोट उनको नहीं चाहिए, एक विशेष वर्ग का वोट से ही ये चुनाव जीतना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग आपका भी काम नहीं करते हैं। लेकिन ये समय आ गया है, अयोध्या में जैसे हमने बाबर को हिला के राम मंदिर बनाने का काम किया हो, ऐसे देश का कोने कोने में अभी भी जो बाबर बसा हुआ है, ये लोगों को भी हमने लात मार मार के निकालने का समय हमारा पास आ चुका है। भाइयों और बहनों, हमें ये चुनाव में दिखा देना है कि झारखंड एक विशेष वर्ग का सरकार हमने बनाने नहीं दूंगा। ये सरकार बनेगा, हिंदुओं का सरकार बनेगा, आदिवासियों का सरकार बनेगा, शोषित वंचित का सरकार बनेगा, ऐसा सरकार बनाने के लिए हमें काम करना है। भाइयों और बहनों, जब से मैं आया हूँ,
हर बार जमशेदपुर में रांची में आता हूं, युवाओं का साथ मेरा बातचीत होते हैं। आज रांची में झारखंड में युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। सीजीएल एग्जाम का नाम में क्वेश्चन पेपर बिका जाता है और हमारा लोगों का ये सीधा आरोप है। हेमंत सोरेन, बन्ना गुप्ता, यही सब लोग मिलके आज झारखंड में अच्छा एग्जाम होने नहीं देते हैं, लोगों का काम होने नहीं देते हैं। हमारा ये वादा है, झारखंड में हमारा सरकार बनेगा, पहला कैबिनेट में ही हम सीजीएल का घोटाला को सीबीआई में दे दूंगा। और जो लोगों ने ये क्वेश्चन पेपर लीक करने का महापाप किया है, ये लोगों को हम जो सबक सिखाएगा जिंदगी में, ये लोग सीजीएल का नाम भी मुंह में लाने का और हिम्मत नहीं करेगा, ये लोगों को हम ऐसा सबक सिखाऊंगा।